हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको कुछ इस तरीके का कुशन के डिज़ाइन बनाने के बारे में बताया था। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसका एक डिज़ाइन बनाया था। आज मैं इस वीडियो में इसका सेकंड डिज़ाइन बनाने के बारे में बताऊंगी। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुशन को बनाने के लिए हमें अपने बचे बुकरम के पीसेस चाहिए। जैसे हम अपने सूट का गला वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें से जो पीसेस बच जाते हैं वो चाहिए। हमें फैब्रिक के पीसेस चाहिए बचे हुए। इसके साथ ही हमें एक ग्लू स्टिक चाहिए, एक कंपास चाहिए और एक सीज़र चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कंपास को 2 इंच की चौड़ाई के जितना खोल लेना है। खोलने के बाद हमने अपना बुकरम का पीस लेना है और इसके ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी चौड़ाई आप अपनी इच्छा के मुताबिक लिख सकते हो, जितनी चौड़ाई आपको दोनों सर्कल में चाहिए। अभी हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना सर्कल कट कर दिया है। अभी हमने इसको सेंटर में इसे फोल्ड करना है और अपने छोटा सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर ऊपर भी कट कर देना है। कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके के दो पीसेस मिलेंगे। ये छोटे वाले सर्कल का मैं यूज अपनी सेकंड वीडियो में बताऊंगी। अभी हम ये अपना बड़ा सर्कल यूज़ करेंगे। हमने अपने फैब्रिक का पीस लेना है, उसके ऊपर अपने बुकरम के पीस को रखते हुए आयरन से अच्छी तरीके से चिपका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीस अच्छे से चिपक गया है। अभी हमने बुकरम के बिल्कुल पास पास से अपने फैब्रिक को कट कर देना है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना है। अभी हमने अपना सेंटर वाला सर्कल भी कट कर देना है। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह का पीस मिलेगा। इसी तरीके से मैंने अपने बाकी पीसेस को भी तैयार कर लिया है। अभी हमने अपना फ्रंट का पीस लेना है। इसका मेजरमेंट 16.5 इंच बाय 16.5 इंच है। मेरा कुशन 16 इंच है तो मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी हमने अपनी ग्लू स्टिक लेनी है, उसकी मदद से अपने ये सारे सर्कल अपने फैब्रिक के ऊपर चिपका लेने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने अपने सर्कल के ऊपर ये ग्लू लगाना है। और अपने फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने बचे हुए फैब्रिक और बचे हुए बुकरम का ही यूज़ किया है, जिससे कि हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। सारा हमारा जो भी सिलाई करते समय हमारे फैब्रिक और बुकरम बच जाती है, वो हमारा सारा यूज़ हो जाता है और इसका लुक भी बहुत ही डिज़ाइनर आता है। ये देखिए, मैंने अपने सारे सर्कल्स चिपका लिए हैं। अभी इसके राउंड में हमने अपने स्टिचेस लगा लेनी है। इसके चारों ओर राउंड में हमने जिगजैग स्टिचेस लगाने हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसके पास जिगजैग स्टिचेस वाली मशीन नहीं है, वो सिंपल सीधी स्टिच इसके पीस के कॉर्नर्स पे लगा सकते हो। दो बार हमने सिंपल स्टिच लगा देनी है। ये ध्यान रखना है कि हमारा फैब्रिक कॉटन का होना चाहिए।
ये देखिए मेरे स्टिचेस कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये मैंने अपने सारे सर्कल सिलाई कर दिए हैं। अभी मैंने अपने बैक के दोनों पीसेस को लेना है, इनको अच्छे तरीके से अपने फ्रंट के पीस के ऊपर सेट करना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। मेरा कुशन सिलाइयाँ लगाने के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लुक बन के आया है। इसी तरीके से आप भी घर पे बचे हुए फैब्रिक और बचे हुए बुकरम के पीसेस से ऐसे डिज़ाइनर कुशन कवर बना सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। Please subscribe. Bye bye.